दिल्ली जल मंत्री आतिशी ने कहा, आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का चौथा दिन है। मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूं क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। पिछले 3 हफ्तों से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली को 100 एमजीडी पानी कम दे रही है। कल डॉक्टर ने आकर मेरी जांच की। डॉक्टर ने सलाह दी है कि कीटोन लेवल का इतना बढ़ना ठीक नहीं है, ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य कितना भी खराब क्यों ना हो, मेरा ये अनशन रखने का संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल जाता, मेरा अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का चौथा दिन है। मैं अनशन पर क्यों बैठी हूँ? मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 MGD पानी कम दे रही है। 100 MGD पानी का मतलब हुआ 46 करोड़ लीटर पानी। ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लाख लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है, जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती। कल डॉक्टर आए थे, जांच कर गए। उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वज़न कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर के वो लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन। और इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बयान दिया है कि झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, हिमंत बिस्वा सरमा झारखंड में इस प्रकार का ज्ञान क्यों देते, उन्हें पता होना चाहिए कि बीएसएफ केंद्र के अंतर्गत आती है और बॉर्डर की सुरक्षा कैसे की जाए, यहाँ उनकी जिम्मेदारी है। आगे उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं है। इस तरह का बयान वे सिर्फ आरोप लगाने और ध्रुवीकरण करने के लिए देते हैं। उन्हें झारखंड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, वो झारखंड में पता नहीं इस तरह का ज्ञान क्यों बांटते हैं। हिम्मत नहीं कि जाकर के अमित शाह के आगे कुछ बोल पाए, इधर उधर की बात करते हैं और फालतू की बातें करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह के जिम्मे बीएसएफ आती है, अमित शाह के आगे के सामने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और बॉर्डर की सुरक्षा कैसे हो उनका जिम्मा है। सिर्फ राजनीति करने के लिए और ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम समझते हैं कि वो उनका बरबोलापन वो झारखंड में उनको महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार का जिम्मा ही नहीं है, कैसे बेवकूफ लोग हैं? क्या उनकी राज्य सरकार आसाम में जिम्मा ली हुई है? उनको मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री का जो गृह मंत्रालय होता है वो इसका जिम्मेदार होता है। सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के लिए, झारखंड को बदनाम करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए झारखंड के लोगों। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अपने घमंड को भुला नहीं है। आज देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं उसको सदन में उठाना चाहिए और सदन की गरिमा को भी बरकरार रखना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि वो देश के मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अपनी घमंड को भूल नहीं चुकी है। आज देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं उसको सदन में उठाना चाहिए
और सदन की गरिमा को भी बरकरार रखना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो देश के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और वहीं पर सदन की जो गरिमा है, सदन की जो मर्यादा है, सदन की जो परंपरा है, उसको भी वो पिछाड़ रही है। जो सवाल किरण रिजू साहब कह रहे हैं कि कंटिन्यू केस सुरेश नहीं है, लॉजिकली वो कितना सही है या कितना सहमत है आप उनसे? देखिए, ये नए नए तर्क वो निकालेंगे ही। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलता कि अगर के सुरेश प्रोटम अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठकर सभी हमारे सांसदों को की शपथ ग्रहण पर अगर वो उस पूरा उसका वो सभापति जिम्मेवारी अगर वो संभालते, तो आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही एक सुनहरा और एक ऐतिहासिक दृश्य को देखने को मिलता। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा सरकार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या के सुरेश को नहीं नकारा है, भारत के दलित समाज को एक उनके एक महत्वपूर्ण एक समय से, महत्वपूर्ण एक पल से। इधर भाजपा प्रवक्ता सहजाद पूनावाला ने कहा कि जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस पार्टी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा उनका अपमान करने पर आमदा है। उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति का भी अपमान किया है जो आदिवासी समुदाय से आते है। आगे उन्होंने कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में है और हम अपने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जो आदिवासी समुदाय से है, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस पार्टी आमादा है कि एक आदिवासी समाज से आने वाले हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें अपमानित करे। वैसे तो इनकी पार्टी ने आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति का भी अपमान किया। वो कहते हैं कि महताब जी को, जो 7 बार के कंजेक्यूटिवली एमपी रहे हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना राष्ट्रपति के द्वारा, ये पार्लियामेंट्री और संविधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन है। संविधान और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन क्या कहता है? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीनियर मोस्ट को बनाने की, प्रोटेम स्पीकर बनाने की कोई नियम कायदे कानून नहीं है, ये कन्वेंशन है। हालांकि कन्वेंशन ये है कि जो सबसे ज्यादा अधिक नॉन इंटरप्शन के साथ, मतलब कंजेक्यूटिवली एमपी रहता है सीनियर मोस्ट, उनको बनाया जाता है। फैक्ट्स क्या है? महताब जी 7 बार कंजेक्यूटिवली, मतलब बिना कोई रोक, सांसद बने। के सुरेश, जिनका नाम ये बता रहे हैं, वो बिल्कुल 8 बार सांसद बने हैं, परंतु कंजेक्यूटिवली नहीं बने। इसका मतलब 98 और 2004 में 2 बार वो एमपी नहीं थे। इसका मतलब उनके कंजेक्यूटिव टर्म्स केवल 4 है। तो 7 कंजेक्यूटिव टर्म्स बनाम 4 कंजेक्यूटिव टर्म्स। और कांग्रेस पार्टी को ये पता है, फिर भी झूठे आरोप लगा रही। और ये कांग्रेस पार्टी जो जब यूपीए में थी, जब 2004 और 2009 की उनकी सरकारें बनी, तब उन्होंने स्वयं जो कन्वेंशन वो बता रहे, उन्होंने फॉलो नहीं किया। 2004 में वाजपेयी जी 10 टाइम के एमपी, जॉर्ज फर्नांडिस जी 9 टाइम के एमपी, और भी कुछ लोग थे, उनको ओवरलुक करते हुए किसी और को उन्होंने प्रोटेम स्पीकर बनाया। तब अपना कन्वेंशन उनको याद नहीं आया? तब वो बुलडोजर पॉलिटिक्स था क्या? कई विधानसभाओं में भी, झारखंड की विधानसभा में जैसे, उन्होंने अपना प्रोटेम स्पीकर बनाया, इस कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया था। 2005 की बात है। और ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में कई बार गए और सुप्रीम कोर्ट ने इनको समझाया। ये है कांग्रेस का चरित्र, ये है जयराम रमेश का चरित्र। जो भी बातें मैं कह रहा हूं आप देख सकते, वेरीफाइबल है, रिकॉर्ड है, फैक्ट्स है। झूठ बोलना इनकी फितरत है। एक आदिवासी समाज से आने वाले हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को इस प्रकार से अपमानित करना, ये कतई ठीक बात नहीं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं सभी जीते हुए सांसदों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह संसद लोकतंत्र को जिंदा रखेगी। जो नफरतें इस चुनाव की गई है, उसे खत्म किया जाएगा। इस बार एक मजबूत विपक्ष आया है। आज हुकूमत बैसाखी पर है, लोगों के मुद्दों को उन्हें देखना पड़ेगा। स्पीकर को भी विपक्ष पर ध्यान देना होगा और उनकी बातें सुननी होगी। मैं मुबारक करता हूं हर मेंबर पार्लियामेंट जो जीत के आया है, और उम्मीद करता हूं कि ये पार्लियामेंट जो है
ये वतन की मजबूती के लिए, डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को बाला जिंदा रखेगी और इस पर अमल करेगी और हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करेगी हर मज़हब के लोगों में। जो नफ़रतें इस इलेक्शन में पैदा की गई हैं उनको ये मिटाने की कोशिश करेंगे और तरक्की करने की कोशिश करेंगे और जम्मू कश्मीर खासकर इसकी स्टेटहुड और जो इस पर जुल्म किया गया है उसकी तरफ नज़र करेंगे और फौरन बल्कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड रिस्टोर कर दें। सर, किस तरह की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जो लास्ट टाइम पार्लियामेंट थी, जो आज की पार्लियामेंट है, एक फर्क है? लास्ट बहुत फर्क है, आज इस पार्लियामेंट में बहुत फर्क है। इस पार्लियामेंट में एक बड़ी बात यह है कि अपोजिशन एक मजबूत अपोजिशन आ गई है। आज हुकूमत बैसाखी पे है, आज इनमें वो दम नहीं होगा जो पिछली पार्लियामेंट में था। यहां पे इनको आप सुनने की कोशिश करनी पड़ेगी, लोगों के मसलों को देखना पड़ेगा और स्पीकर साहब को जो भी आएगा उसको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हम भी इस वतन के बाशिंदे हैं जो अपोजिशन में हैं, उनकी बात को सुने, उनकी बात से गवर्नमेंट को बताएं, उस पर अमल किया जाए और हर कोई मसला जो है जो इम्पोर्टेंट हो उसको उठाने की इजाजत दें। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, विपक्ष के पास और कोई विषय नहीं है। मुझे लगता है कि विपक्ष बार बार संविधान का विषय निकालकर ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान बदलने वाले नहीं, विपक्ष को बार बार संविधान का विषय नहीं उठाना चाहिए। मिशन के तमाम सांसदों ने यहाँ से हाथ में संविधान लेकर विरोध प्रदर्शन किया पहले दिन 18वीं लोकसभा के सरकार के खिलाफ। मुझे लगता है कि अपोजिशन को दूसरा कोई विषय नहीं है, संविधान के बारे में सबको आदर है, संविधान की रक्षा होना आवश्यक है और इसीलिए मुझे लगता है कि बार बार संविधान का विषय निकालकर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। एक तो संविधान को माथा टेककर मोदी साहब ने शपथ ली है और नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है, लेकिन उसका एक गलत प्रचार किया जा रहा है। तो अपोजिशन ने बार बार संविधान का विषय नहीं उठाना चाहिए।